वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फेसबुक पर आप नाम कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आप हाल ही में नाम चेंज किए हैं तो आप क्या होता है कि फेसबुक में अपडेट आते रहता है, तो इसकी वजह से सेटिंग इधर से उधर होते रहता है। तो जिसको ये पता है उनके लिए बहुत ही ईजी है, जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो चलिए वीडियो में आप बने रहें और वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है, तो इसे बिना स्किप करके देखें। तो चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि फेसबुक का नाम हम कैसे चेंज करेंगे और कहाँ से चेंज करेंगे। तो चलिए वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो है गाइस, मेरा नाम है अरुण और चैनल का नाम है पिके अरुण टेक्निकल। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो हम अपना फेसबुक एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन, और इधर साइड में आप देख सकते हैं स्क्रीन शॉट आपको शो कर रहा होगा। तो हम यहाँ पर अपना फेसबुक एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन। तो यहाँ हम अपना फेसबुक एप्लीकेशन कर लिए ओपन, और यहाँ पर देख सकते हैं अपना प्रोफाइल पर क्लिक कर लेना है। और यहाँ से देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्या होता है कि यहाँ पर आप पहले यहाँ पे ये जो प्रोफाइल पिक्चर था वो यहाँ पे मिडिल में था, अब ये साइड में हो चुका है। और यहाँ से हम कैसे यहाँ से अपना नाम को चेंज कर सकते हैं, अब यहाँ पे अगर हम एडिट वाला ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे एडिट में अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे मिलता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ प्रोफाइल को एडिट करने के लिए हमें यहाँ पे बायो वायो सेट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, बाकी यहाँ से नाम चेंज करने का कोई ऑप्शन हमको नहीं मिल रहा है। तो क्या करना है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है और यहाँ पे ऊपर में थ्री लाइन का जो ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक कर लेना है। थ्री लाइन का ऑप्शन में क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका सेटिंग में चला जाना है, ऊपर में एक सेटिंग आपको देखने को मिल रहा है, या तो यहाँ पर नीचे में देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो इससे अच्छा है कि यहाँ पर सेटिंग वाला जो ऑप्शन है, गियर वाला ऑप्शन, उस पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्ट हम सेटिंग वाला ऑप्शन में चला जाएंगे डायरेक्ट। तो चलिए इस पर हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। फिर फ्रेंड्स आपके सामने बहुत सारा यहाँ पे इंटरफेस आपको आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग और यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बहुत कुछ ऑप्शन मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रोफाइल सेटिंग में अगर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। प्रोफाइल सेटिंग में क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आपको नाम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, पर यहाँ पर नाम चेंज करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपने अपडेट किया अपना फेसबुक का, अगर अपडेट किया है तो यहाँ से आपको वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा, पहले था अब यहाँ पे आपको वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको बैक आ जाना है और नीचे में देख सकते हैं उसके नीचे में अकाउंट में, उसके नीचे देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है उस पर आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। अपना आइडेंटिटी आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पर कॉन्टैक्ट अपडेट कर सकते हैं, और उसके ऊपर में देख सकते हैं नाम का एक ऑप्शन था। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया है। तो यहाँ से आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट नेम, यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लास्ट नेम, और बीच में देख सकते हैं मिडिल नेम। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम के साथ ही दोनों नाम अपना जोड़ देते हैं, जो उनका लास्ट में नाम होता है वो भी वहीं पर ऊपर में लगा देते हैं, या तो ऊपर में भी अपना फर्स्ट नेम दे देते हैं और नीचे में भी फर्स्ट नेम देते हैं। तो जैसे कि वहाँ पर ऊपर में हमारा अरुण किया हुआ है और नीचे में भी हम यहाँ पर अरुण कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और निक नेम आपको यहाँ पर नीचे, अगर आप निक नेम चूज़ करना चाहते हैं तो उसके नीचे आपको यहाँ पर मिल जाएगा निक नेम। तो उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ भी आप निक नेम अपना ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपना नाम को चेंज करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरा ऐसे नाम तो कोई छेड़छाड़ होगा नहीं, तो मैं यहाँ पर दिखाने के लिए थोड़ा सा कुछ अलग करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं अल्लू अरुण मैंने यहाँ पर लिख लिया हूँ, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका जो नाम है अगर आप एक बार चेंज करोगे तो इसे 60 दिन के बाद ही आप यहाँ पे फिर से दोबारा चेंज कर सकते हो। अगर आपने अपना नाम को अपडेट करोगे तो फिर आपको वहाँ पे 2 महीना वेट करना पड़ेगा, 60 दिन, इसके बाद ही यहाँ पे आप अपना फिर से दोबारा नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बार नाम चेंज करने के बाद दोबारा 60 दिन के बाद ही नाम चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं आपको वही चीज़ बता रहा है। यहाँ पर आपका अगर पासपोर्ट आपको याद है तो भी आपका यहाँ पे नाम चेंज होगा, यहाँ पे आप पासपोर्ट जो आपका पासपोर्ट है वो यहाँ पे लगेगा। तो आपका पासपोर्ट अगर याद है तो आपको नाम चेंज मतलब होगा, अपडेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए हम अपना ये पासपोर्ट है उसको हम यहाँ पे लगा के देखते हैं। वैसे हमें अपना पासपोर्ट याद नहीं है, पर यहाँ पर जो याद है वो मैं लगा के देखता हूँ, अगर हो रहा है तो ठीक है। तो देख सकते हैं इनकरेज पासपोर्ट हो गया, तो हमें अभी पासपोर्ट याद नहीं है, बहुत दिन पहले हम पासपोर्ट लगाए थे वो अभी याद नहीं है, तो इसको फिर से चेंज करना पड़ेगा हमें पासपोर्ट। तो इसी कारण से हमारा अभी अपडेट नहीं हो रहा है। तो इस तरह करके आप वहाँ पर अपना नाम को अपडेट कर सकते हैं।
अगर आपको पासवर्ड याद है तो आप अपना नाम को अपडेट कर सकते हैं। हमारा अभी नाम याद नहीं था, तो मतलब कि पासवर्ड हमें याद नहीं था, इसीलिए हमारा अपडेट नहीं हुआ। तो वैसे भी हमें अपडेट नंबर मतलब कि जो नाम है वो ही रहने देना है, हमें कुछ अलग नाम नहीं करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।